पहली गेंद काफी बढ़िया शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, फील्डर को टप कर रीबाउंड होकर गेंद वापस क्रीज, वापस ग्राउंड पर एक रनों के लिए। नसीम खान दूसरी गेंद, काफी बढ़िया गेंद, नसीम खान लेफ्ट हैंडेड राउंड द विकेट, बिल्कुल जहीर खान की याद दिलाते हुए। गेंद को छुपा कर डाल रहे लास्ट मोमेंट तक, बॉलर समझ नहीं पा रहा है कहां से गेंद कैसे आई, बैट्समैन सॉरी पार्डन मी। अगली गेंद फुल टॉस बॉल, पॉइंट की दिशा में इसे हल्का सा कट किया, स्लाइस किया और सीधा गेंद 90 फिट रोड पर एक रन। अगली गेंद काफी लंबा रन अप है नसीम खान का, पीछे से चल के आते हैं और अपनी तेज तर्रार रन अप से जो पावर जनरेट करना है गेंद में वो करते हैं। अगली गेंद कवर्स की दिशा में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठाया था लेकिन झाड़ पर लगकर गेंद अंदर आई, दूसरे रन के लिए निकल गए हैं लेकिन गेंद कलेक्ट नहीं कर पाए नसीम, वरना ये रन आउट हो सकता था, एक पोटेंशियल विकेट था इस गेंद पर अनफॉर्चुनेटली वो बॉल थोड़ी सी फंबल की उनके हाथ में और तब तक रन कंप्लीट कर लिया बैट्समैन ने। अगली गेंद राउंड द विकेट नसीम, और ये नो बॉल, एक बीमर और बीमर पे मारा है बाहर, दो रनों के लिए डिक्लेयर, सामने वाले बंगले में मारा है, बंगले पर अपना नाम रजिस्टर किया है, अंपायर का डिसीजन नो बॉल, अंपायर ने नो बॉल करार दिया है इसे और प्लस टू फ्री हिट का इशारा, जहां मार सकते हो मारो, आउट होने का कोई खतरा नहीं। आखिरकार हम सभी इंसान हैं, गलतियां इंसानों से ही होती है। अगली गेंद सामने की तरफ उठाया, लॉफ्टेड शॉट, क्या ये 6 रन, और ये गेंद को पकड़ा अंदर, फैबुलस फैबुलस कैच, मार्वलस कैच, अंपायर के डिसीजन का वेट रहेगा। ओ फ्री हिट थी ये गेंद पर, 6 रन बचाए, बहुत ही बढ़िया शॉट था पर बहुत ही बढ़िया तालमेल दोनों ही प्लेयर्स के बीच, बहुत ही बढ़िया एथलेटिज्म का प्रदर्शन यहाँ पे दोनों फील्डर्स द्वारा, आपस में बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेशन, गेंद को कलेक्ट किया, कितना रन भागे अंपायर, 2 रन। नौ रन, 5 गेंदे 9 रन। आखिरी गेंद नसीम खान द्वारा, अगली गेंद आखिरी गेंद ओवर की, बहुत ही तेज तर्रार गेंद, स्किट किया, कॉन्क्रीट पिच है तो गेंद ऑब्वियसली स्किट करेगी, डॉट बॉल के साथ समाप्त किया इस ओवर को, एक ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 9 रन बिना किसी नुकसान।
बॉलर्स नेम प्लीज, बॉलर्स नेम मिलिंद। पहली गेंद थोड़ी सी चहल पहल, और ये गेंद, और ये भागा है रन। क्या यहां पर ये रन पूरा कर सकते हैं, किया कि नहीं किया, अंपायर के डिसीजन का वेट रहेगा। चिकन बिरयानी मंगाई गई है यहां पर, जिसे भी चाहिए स्टेज के लेफ्ट साइड में आकर ले ले। और ये रन आउट दिया गया यहां पर। बैट्समैन नेम प्लीज, गणेश। अगली गेंद निकल कर मारा है इसे, लेकिन गेंद ग्राउंडेड ही रही। लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे, जब तक फील्ड करेंगे तब तक मेरे फील्ड की वजह से दूसरा रन निकलना चाहते, लेकिन स्ट्राइकर आगे आ गए थे। गलत एंड पर थ्रो, विकेट हो सकता था स्ट्राइकर एंड पर। इसीलिए कहते हैं कीप योर आईज ईयर एवरी सेंसरी ऑर्गन ओपन व्हेन यू आर प्लेइंग द क्रिकेट गेम। अगली गेंद राउंड द विकेट, आगे की तरफ बढ़िया गेंद और बढ़िया शॉट स्ट्रेट में, बिल्कुल सीधा तेज तर्रार तीर भी शर्मा जाए वैसा शॉट। और ये दोनों एंड पर रन आउट का चांस था, लेकिन मिस किया बॉलर ने। अगर ये गेंद फील्ड कर लेते तो विकेट का चांस हो सकता था। चौथी गेंद ओवर की, आगे की तरफ लेग साइड में घुमाया है मिड विकेट की ओर, बंगले में डिपॉजिट किया है इस गेंद को दो रनों के लिए। तेरह रन। तीन बॉल 15 रन। ओके, अगली गेंद आगे की तरफ बिल्कुल जड़ में गेंद, बैट्समैन की जड़ में पैरों पर गेंद, और इसी के बीच थोड़ा सा आगे निकल गए, बॉल फंबल कर आगे आई, लेकिन एक रन, एक रन से ज्यादा नहीं। काफी चुस्ती पुरसी के साथ आयुष्मान भारत पाट्या 11 के प्लेयर्स कवर कर रहे हैं क्रीज को। अगली गेंद पंद्रह था, अगली गेंद फुल टॉस बॉल उठाया इसे, काफी लंबी गेंद और कैच किया इस गेंद को आसानी से लॉन्ग ऑन के फील्डर ने, बहुत ही बढ़िया कैच। धूप में ऐसे कैच पकड़ना अक्सर मुश्किल होते हैं, खास करके जब आपके पास सनग्लासेस ना हो, बट पूरे समय बॉल को वॉच किया, बढ़िया जज किया और कैच किया इस गेंद को इंडियन स्टाइल में। पांच गेंदे 16 रन, आखिरी गेंद इस ओवर की,
आखिरी गेंद निकल कर मारा है लेग साइड में, ग्लोरियस शॉट, ग्लोरीफाइंग द शॉट, फैबुलस फैबुलस, निकल कर ऑफ साइड की गेंद को लेग साइड में मारा दो रनों के लिए। ऐसे काफी शॉट्स आज हमें देखने को मिले हैं, काफी जो राइट हैंडेड बैट्समैन होते हैं उनका स्ट्रॉन्ग जोन होता है लेग साइड, लपेट, बिल्कुल लपेटा इस गेंद को ऑफ साइड से और मारा लेग साइड की दिशा में, पूरा कंट्रोल था उनके हाथ में। इसी के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचा है 18 रन, 19 टू विन। पाट्या 11 अगर ये मैच जीतना चाहती है तो उन्हें 19 रन बनाने होंगे दो ओवर में। लेट सेव जा चषक 2023 लेजेंड्स पोइसर प्रीमियर लीग। वी वुड लाइक टू थैंक आवर स्पॉन्सर्स, आर ऑर्गेनाइजर्स संतोष झा, अशोक दलवी, राकेश सिंह, अनिल मिश्रा, तुषार जाधव, रोहित मिश्रा, रुपेश शिवगांवकर, प्रदीप लोके, चंद्रकाल नेवेकर, जीतू, मनोज शिंदे, बाब्या, संतोष दलवी एंड मुकेश सिंह। वी वुड लाइक टू थैंक आवर फ्रेंचाइजीज, राजकुमार भारत, संतोष माने, संजय मांजरे, महेश पाटनकर, दीपक झा, रुपेश एंड प्रेम दुबे। बॉलर्स नेम प्लीज, बहुत ही बढ़िया शॉट सामने की तरफ लॉन्ग ऑन पर, विनोद जब तक गेंद को फील करेंगे तब तक एक रन आसानी से। एक रन अगली गेंद
गौरव सामने की तरफ शॉट, काफी बढ़िया शॉट मारना चाहते थे बट थोड़ी सी मिस टाइम हुई गेंद और, लेकिन नो मैन्स लैंड में और डिक्लेयर जोन में, इसे कहते हैं सोने पर सुहागा। कैच छूटा तो छूटा और डिक्लेयर जोन में गया दो रनों के लिए। ये दो रन है, 19 टू विन दो ओवर में। अगली गेंद आगे की तरफ बिल्कुल जड़ में गेंद, बोल्ड वाटर बॉल, दैट वाज लवली डिलीवरी, बिल्कुल जड़ में गेंद, बॉलर ने ना आओ देखा ना ताओ, बैट्समैन को याद दिलाया चने का भाव और बैट्समैन चले अपने गांव। बैट्समैन नेम प्लीज, बैट्समैन नेम पाट्या, द फ्रेंचाइजी हिमसेल्फ इज गोइंग टू द स्ट्राइक, इज गोइंग टू टेक द बैटिंग ऑन। पाट्या सिक्स मारने पर ₹1,000 बाय संदेश परब, एक्सक्लूसिव ऑफर फॉर पाट्या द फ्रेंचाइजी हिमसेल्फ। आगे की तरफ गेंद, बहुत ही बढ़िया लंबा शॉट, पार किया है टावर को, डिपॉजिट किया है बंगले में और अपना नाम रजिस्टर किया है बंगले की टंकी पर। अगली गेंद काफी बढ़िया गेंद और काफी बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद पर रीबाउंड होकर गेंद बैनर पर लगकर वापस आई, तब तक एक रन, आसानी से एक रन लिया, गेंद को फील्ड किया। अभी तक काफी बढ़िया क्रिकेट देखने को मिला है हमें तक, फेयर डिसीजंस, फेयर प्ले। वी वुड लाइक टू थैंक आर अंपायर्स ऑल्सो। आखिरी गेंद ओवर की, 6 रन हो चुके हैं अभी तक। निकलकर मारा है सामने की तरफ, काफी बढ़िया लॉफ्टेड शॉट, फील्डर नीचे मौजूद और कैच किया इस गेंद को, काफी आसान सा कैच, काफी टाइम था फील्डर के पास उस टाइम का, उस टाइम को यूटिलाइज किया, बॉल को वॉच किया और ऑफी स्टाइल में गेंद को पकड़ा। एक ओवर के बाद स्कोर है 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 6 गेंदों में 13 रनों की जरूरत अब पाट्या को ये मैच जीतने के लिए। उनके स्टार बैट्समैन, स्टार प्लेयर नसीम खान रिटर्न जा रहे हैं टुवर्ड्स द पवेलियन। न्यू बैट्समैन नेम प्लीज, 6 पे 13।
नील इलेवन, मांजरे इलेवन, ओम शक्ति, ओम स्वास्तिक, नील इलेवन, मांजरे इलेवन एंड ओम स्वास्तिक के कैप्टन जल्द से जल्द स्टेज के पास आइए। अपनी पूरी टीम को साथ में रखकर जल्द से जल्द स्टेज के पास आइए। नील इलेवन, मांजरे इलेवन एंड ओम स्वास्तिक के प्लेयर्स जल्द से जल्द स्टेज के पास आइए अपने सभी प्लेयर्स के साथ। ओवर की पहली गेंद लेग साइड की तरफ, फिर से उठाया इस गेंद को, नो मैन्स लैंड में, कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं और दूसरा रन निकाला जाएंगे और दूसरे और ये डायरेक्ट हिट होता तो ये चांस हो सकता, लेकिन फिर से थ्रो गलत एंड पर। अगर ये थ्रो स्ट्राइकर एंड पे होता तो कंफर्म रन आउट मिल सकता था, बट इसी के चलते दो रन, अब पांच गेंदों में 11 रन। पांच गेंदों में 11 रनों की जरूरत पाट्या 11 को ये मैच जीतने के लिए। और बार काफी बढ़िया शॉट, लेकिन बल्ला घूमा हाथ में, दूसरा रन निकलना चाहते हैं स्ट्राइकर, बट नहीं, मना किया, इंटरेस्ट नहीं दिखाया नॉन स्ट्राइकर ने। चार गेंदे 10 रन, चार गेंदों पर 10 रनों की जरूरत, काफी रोमांचक मैच, बड़े हिट्स चाहिए पाट्या 11 को ये मैच जीतना है तो। उठाया इस गेंद को, कैच छोड़ा, फिर से आसान सा कैच छोड़ा, बराबर से जज नहीं कर पाए पॉइंट का फील्डर, उसी के कारण ये कैच छूटा। तीन गेंदे 9 रन, तीन गेंदों पर 9 रनों की जरूरत है पाट्या 11 को ये मैच जीतने के लिए। एक बड़े शॉट की जरूरत है, एक बड़ा शॉट इस मैच को कहीं से कहीं ले जा सकता है। लेग साइड की तरफ काफी बढ़िया एक फ्लैट शॉट, लेकिन दीवार पर लगकर गेंद वापस, और तब तक दूसरा रन निकलना चाहेंगे, स्ट्राइकर एंड पर थ्रो, और इस बार कम्युनिकेशन में कोई भी गैप नहीं, सही एंड पर थ्रो किया और विकेट पाया, एक रन सिर्फ इस गेंद पर। अब अगली दो गेंदों में 8 रनों की जरूरत, दो गेंदे पर 2 बड़े शॉट्स, या दो गेंदों पर 2 चौकों की जरूरत। बैट्समैन नेम प्लीज, न्यू बैट्समैन नेम प्लीज। अगली गेंद, और ये अंडर एज लगकर गेंद विकेट कीपर के बाजू से निकलकर दीवार पर लगकर 1 रनों के लिए। बैट्समैन का नाम बता दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है पाट्या 11 के प्लेयर से। रमेश अगली गेंद सामने की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन ये काफी बढ़िया सूझबूझ के साथ ये गेंद डाली, स्लोअर गेंद, दूर रखी, बैट्समैन को ललचाया, बैट्समैन को फ्रस्ट्रेट किया अपनी स्लोअर डिलीवरी से और डॉट बॉल। इसी के साथ ये मैच जीता है मनेरिया 11 ने और सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया है। Congratulations Maneria 11 franchise and the whole team and the whole support staff. You deserve this. And also a major thanks to our